हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, गर्मियां आ चुकी हैं। गर्मियों में हमारा कुछ ठंडा ठंडा शेक पीने का मन करता है, तो उसी में मैं आज आपको तरबूज का शेक बनाना सिखाऊंगी। आइए, सबसे पहले हमने तरबूज को ले लिया है। तरबूज के हम छिलके को अलग कर देते हैं और इसके बीजों को भी हम अलग कर देते हैं। तरबूज को हमने छील के अच्छे से उनके बीज निकाल दिए और उनको हमने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अभी हम अपना मिक्सी का जार लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपने तरबूज को डालेंगे। इसी के साथ सबसे पहले हम अपनी एक चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें हमने दो चम्मच ब्लू अफ्सा ले लिया है। तीन से चार हमने आइस क्यूब ले ली हैं। एक चम्मच हमने भर के आइसक्रीम की डाल दी है। आइसक्रीम से इस शेक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसी के साथ इसमें हम एक ग्लास दूध डाल देते हैं। मिक्सी में अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छे से अपने तरबूज को और दूध को अच्छे से पीस लिया है। इसका बन गया है शेक। अब हम इसको गिलास में गार्निश कर देते हैं। सबसे पहले हम एक गिलास लेते हैं, उसके चारों तरफ सबसे पहले हम रू अफ़ज़ा से डेकोरेट करते हैं इसको। क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। इसी के साथ इसमें हमने तरबूज को थोड़ा सा बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में कर लिया था। जब हमारे शेक में हम तरबूज को शेक के साथ खाएंगे तो ये पीने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़े से हम टुकड़े इसके अंदर डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें हम अपना शेक डाल देते हैं। और ऊपर से हम इसके एक चम्मच आइसक्रीम और डाल देते हैं। और थोड़े से इसमें ऊपर से हम तरबूज के टुकड़े और डाल देते हैं। जिससे कि ये पीने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये हमारा शेक बनके हो गया है तैयार। इसी के ऊपर हम एक अपने तरबूज की स्लाइस लगाते हैं, जिसमें कि ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक बार आप इसको अपने घर में जरूर बनाइए। ये तरबूज का शेक हमारा बन के हो गया है तैयार। तरबूज तो हमें खाना बहुत ही पसंद है गर्मियों में, पर इसका आप शेक बना के पियोगे तो ये पीने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आराम से और बहुत ही कम समय में ये घर में हम बना के पी सकते हैं। आप किसी गेस्ट को भी इसको बना के पिला सकते हो। पीने में तो ये इतना ही टेस्टी है जितना ये दिखने में टेस्टी है। आप इसको अपने घर में जरूर बनाइए, सबको बना के पिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।